शास्त्री पार्क यमुना खादर एसडीएम सीलमपुर ने चलाया वैक्सीनेशन अभियान। शास्त्री पार्क यमुना खादर की किसान बस्ती में एसडीएम सीलमपुर ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया। उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर सब डिवीजन में लगने वाली यमुना खादर में स्थित किसान बस्ती में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है ताकि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। अभियान के पहले ही दिन यहां करीब 300 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। एसडीएम सीलमपुर शरद कुमार के मुताबिक यहाँ जीटीबी अस्पताल के साथ ही एक टीम इस विशेष अभियान में जुटी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। एक तरफ जहां केंद्र और दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं वैक्सीनेशन अभियान को भी तेजी से अमल में लाया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर पूर्वी जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ वैक्सीनेशन अभियान में जुटा है। सीलमपुर सब डिवीजन में लगने वाले बस अड्डे के पास यमुना खादर में स्थित किसान झुग्गी की बस्ती में एसडीएम सीलमपुर की देखरेख में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन यहाँ 300 डोज कोविशील्ड वैक्सीन पहुंची, जिनमें से अधिकांश वैक्सीन पूरी कर ली गई। एसडीएम सीलमपुर ने बताया कि वैक्सीनेशन ड्राइव हालांकि लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों पर वैक्सीन नहीं लगे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ऐसे डार्क स्पॉट चिन्हित किए जिसमें बस अड्डे के पास किसान बस्ती भी है जहां करीब 350 परिवार रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान बस्ती में वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें जीटीबी के डॉक्टरों के साथ ही मेडिकल टीम और अन्य को वहां तैनात किया गया। एसडीएम सीलमपुर ने बताया कि उत्तर पूर्वी जिले की डीएम गीतिका शर्मा के नेतृत्व में जिले में वैक्सीनेशन अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। सीलमपुर सब डिवीजन के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें किसान बस्ती एक एरिया है एसबीटी के पास जो हमारी सब डिवीजन के अंदर आता है। इसमें लगभग 350 झुग्गियाँ हैं जिसके निवासियों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा हुआ था, इसीलिए आज हमने इस स्पेशल कैंप को ऑर्गेनाइज किया। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी जिलाधिकारी मैडम गीतिका शर्मा मैडम को, जिनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने आज ये प्लान किया। और इसमें कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका अरेंजमेंट किया गया है। आज ही सुबह 9 बजे से हमारी मेडिकल की टीम वहाँ तैनात हो गई, साथ ही साथ हमने एम्बुलेंस और जितनी भी आवश्यक सुविधाओं की जरूरत थी वो सब हमने वहाँ पे अरेंज किया गया है ताकि वहाँ के नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। सर, वहाँ कोई किसी तरीके का डर, किसी जैसे वहाँ रहने वाले लोग जो वैक्सीन लगवाने डरते हों, कुछ ऐसा दिखाई दिया कुछ? वैक्सीन को लगते हुए पिछले कम से कम 9 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और पूरे दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को लगाया जा रहा है। और अब तक के अपने अनुभव के से मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी ऐसी कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट की कोई खबर नहीं आई है, ना कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ है जिससे कि इससे डरने की ज़रूरत पड़े। और अभी के माहौल में यही ये एक सबसे सुरक्षित उपाय है जिसको हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को ज़रूर से लेना चाहिए वैक्सीन। सर, उसका असर इस बात से भी और दिखाई देता है कि लोगों में भी बहुत इस बात को लेकर उत्साह है। और आप आज सुबह से लेकर अभी तक में 245 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है और लोगों में बढ़ चढ़ के उत्साह है। और अभी भी लगभग 20 से 22 लोग अभी भी वहां लाइन में लगे हैं जो वैक्सीन को लगवाने के लिए अपने प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खादर में एसडीएम सीलमपुर द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के दौरान गैर सरकारी संगठन भी यहाँ स्थानीय निवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम करुणा जोसेफ है और मैं वर्ल्ड विजन इंडिया से हूँ। और ये जो एरिया है शास्त्री पार्क का, मेट्रोपोल के नीचे, यहाँ पे बहुत सारी जुग्या अप्रॉक्स 400 फैमिलीज यहाँ पे है और 1200 लोगों की पॉपुलेशन है टोटल यहाँ पे। और वैक्सीनेशन कैंप आज से हमने यहाँ पे अरेंज करवाया। हमने पूरी नॉर्थ ईस्ट की टीम के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट के इम्यूनाइजेशन के हेड हैं डॉक्टर पीयूष, उनके साथ हमने मिलकर यहाँ के लोगों के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट करवाया। और लगभग 300 वाइल्स आज लेकर के आए थे पूरी टीम और 270 अभी तक कम्प्लीट हो चुका है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी बार अवेयरनेस के लिए कैंप यहाँ पर अरेंज करवाया। अपने हमारे ई रिक्शा को घुमा घुमा के ऑडियो मैसेजेस हमने लोगों को दिया, अवेयरनेस का यहाँ पे काम किया। और उसके बाद अभी तक उस अवेयरनेस का ये रिजल्ट है कि 270 का वैक्सीनेशन हो चुका है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे इस चीज़ को लेकर।
कि हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उनके जहन में गलत फहमी बहुत सारी थी कि मर जाते हैं लोग वैक्सीन से, लेकिन बहुत बार समझाने के बाद अब हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है और हम दिल्ली गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुहिम को हमारे साथ मिलकर इसको पूरा किया और 270 लोग अभी तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और अभी भी प्रोसेस में है। हम 5 बजे तक इसको कम्प्लीट कर देंगे और हमें ऐसी उम्मीद है कि यहाँ के सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और इस कोविड से वो लोग बच पाएंगे। सो थैंक यू सो मच जिसने भी हमारी हेल्प की, और भी बहुत सारे एनजीओस हमारे हैं, गॉड गिव्स एवरीथिंग, जो हम देख रहे हो आप पीछे अपना सेंटर हमें दिया, समर्पण एनजीओ ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और गवर्नमेंट ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो हम सब लोगों का जिसने भी हमारी कैसे भी हेल्प करी, यहाँ के जो प्रधान हैं उनका भी थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और इस वैक्सीनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प। अच्छा, कहीं ना कहीं डर होगा लोगों में यहाँ पर, जिस तरीके से देखते हैं कि वैक्सीन लगने से कुछ ना कुछ कोई दिक्कतें हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसी बातें सामने आई आपके? हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई, हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया क्योंकि लास्ट डेज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रूमर्स उड़े हुए थे कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई इस बात को लेकर कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेथ हो जाती है लोगों की वैक्सीन लगवाने से। लेकिन हमने जो अवेयरनेस कैंप, वैक्सीनेशन कैंप से पहले हमने अवेयरनेस कैंप जो हमने किए थे उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा लोगों को, उनकी मेंटालिटी को चेंज किया और आज उसका रिजल्ट है कि 270 लोग अभी तक वैक्सीनेटेड हो गए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।